तो 20-22 दिन हुए हैं गाड़ी को यार। बैग भाई खा रखी है इसने तो नहीं अच्छा बिखर गई है। देखो ये एल गार्ड है पूरा घिस गया भाई तुम्हारे तुम लगे थे कहीं। और ये देखो मत्थे पे देखो भाई ये पटाखे वटाखे बिक रहे हैं पुलिस वालों से बोले ने पकड़ेंगे। ये रहा भाई का बिल 458 रुपए का। हेलो गाइस माय नेम इज अमन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 5:30 बजे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं पापा जी को लेकर ना किसी काम से द्वारका चले गया था वहाँ से आया हूँ 4:30 बजे अलग ही दिख रहा है तो 4:30 बजे आया हूँ वहाँ से। अभी ना रील शूट करने के लिए जा रहे हैं एक आधे रील शूट हो जाए तो वैसे तो अंधेरा हो ही गया है नहीं भी हुई तो कोई नहीं पुराने डाल देंगे फिर भी देखते हैं अगर क्वालिटी सही आएगी तो कर लेंगे एक रील शूट। अभी जा रहे हैं हम ICT बट्टोर में उसके बाद जाएंगे रिलायंस स्मार्ट बट्टू खड़ा नीचे ICT चलेंगे आज ICT चलते हैं चलो देखते हैं रील वील शूट हो जाएगी क्वालिटी सही आ रही तो रील शूट कर लेंगे वहीं जाकर। तो जी ठीक है हो गई 2 रील शूट कर ली हमने हम सोच रहे कि ना हो पाएगी पता किस वजह से हो गई लाइट लग रही है ना यहाँ पे हे प्रभु जगन्नाथ आपकी वजह से रील शूट होगी। और गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी ना रिलायंस स्मार्ट चले जाऊँ इस फोन को दिखाने के लिए कल के ब्लॉग में आया मैंने कही देना कि रिलायंस स्मार्ट जाएंगे हम चैन दिखा रहा हूँ मैं चैन कि रिलायंस स्मार्ट जाएंगे हम तो सोच रहे रिलायंस स्मार्ट चले जाए। और भाई ना जो कह रहा है ना ठंडी नहीं बढ़ी है ठंड बढ़ गया भाई ठंड लग रही है इसके अंदर भी इसके नीचे मैंने एक बनियान पहनी है कल भी लग रही थी मतलब ठंड आ गया कपड़े वपड़े पहनने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो अभी हम निकलेंगे ना तो जूते वूते पैर के एकदम पैक होकर जाएंगे भाई अभी तो चप्पल उप्पल पैर रखी है इन्हें तो जूते पैर रखे हैं ये कुछ पहन लेगा इसके ऊपर भी मैं कुछ पैर के जाऊंगा रिलायंस स्मार्ट। अब मेरे को ना फोन का बिल और फोन का डब्बा ढूंढना पड़ेगा यार वहाँ जाके रिलायंस स्मार्ट जाएंगे एक बार वहीं चेक करवा लें नहीं तो उसके बाद तो बाहर से करवाना ही है खैर क्योंकि न्यू एप्पल ID बनानी है मेरे को स्टोरेज फुल हो गया इसमें सब अगर मेरा वो काम हो गया ना फोन ठीक हो गया तो रिसेट मार दूंगा पूरा फोन फिर नई ID बना लूंगा इसमें। फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर के लिए कुछ खाने के लिए मैं द्वारका से आया कुछ नहीं खाया भूख लग रही है बहुत तेज पहले घर पे कुछ खा लेंगे फिर कपड़े वपड़े पहन के तुरंत निकलेंगे रिलायंस स्मार्ट के लिए 2 रील शूट कर लिए आके व्लॉग अपलोड कर देंगे और रील अपलोड कर देंगे फिलहाल चलते हैं घर पहुँच के आपसे बात करते हैं लव यू ऑल। भाई मैं घर जा रहा था लेकिन मेरे को ना मौज भाई ने जब्त कर दिया कह रहे मेरी ना बाइक की सर्विस हो रही है तुगलकाबाद में सर्विस सेंटर पे ये रही इनकी बाइक हो रही है अभी भी तो उन्होंने बोला मेरे पास कोई साधन नहीं है जाने के लिए तो अपनी बाइक से मेरे को ले चल वहाँ पे तो मैं कांडी और मोहित भाई आ गए हैं 6:30 हो रहा है मोहित भाई की बाइक की सर्विस होने में अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। ये वाली बाइक खड़ी है भाई की इस गरीब को भी लेके आ गया मैं और देखते हैं कि भाई ने क्या का काम करवाया है ऑयल तो चेंज होते ही है सर्विस में और मोहित भाई कहते कि फिल्टर की भी कह देते बाकी ब्रेक टाइट हो जाती है ब्रेक टू घिस गए होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं बट मोहित भाई की बाइक को भी 25-30 दिन भी नहीं हुए तो फिल्टर तो चेंज होना नहीं चाहिए तो मोहित भाई ने बात मेरे को बताई तो मैंने मोहित भाई से बोला भाई एक बार चेक कर लेंगे कि फिल्टर चेंज हुआ ही नहीं हुआ। गाइस अगर आप कभी भी बाइक की सर्विस करवाते हो तो सर्विस सेंटर से करवाओ तो अपनी आंखों के सामने कराओ नहीं तो करवाओ मत। ये क्या होता है ना अब मोहित भाई की जैसे नई गाड़ी है तो नई गाड़ी का पार्ट निकाल देते हैं पुराना पार्ट डाल देते हैं कुछ पार्ट डालते नहीं है ऑयल नहीं डालते और बोल देते हैं सर्विस होगी पैसे का पैसा बिल बहुत बढ़ा देते हैं। तो गाइस मेरा मानना है कि सर्विस करवाओ बाहर से अपनी आंखों के सामने करवाओ या सर्विस सेंटर से करवा रहे हो आप तो अपनी आंखों के सामने करवाओ काम खुद देखो यहाँ पे होती है सर्विस और आप खुद देख सकते हो यहाँ पर ठीक है। तो अभी देख लेते हैं 10-15 मिनट लगेंगे मोहित भाई की बाइक में अभी देख लेते हैं क्या क्या काम हुआ है फिर देखते हैं बाइक वाइक लेके चलते हैं घर के लिए फिर अपना रील भी ब्लॉग भी अपलोड करना है। भाई कभी कंपनी से करवाओ मैं सर्विस सेंटर से फिल्टर से भी मैंने पूछा मेरे भाई करा है हाँ कर दिया फिर मैंने बोली वीडियो बनाऊंगा करा भाई तुम्हारे सामने बनाऊंगा वीडियो बना दिया अभी करूंगा ठीक है भाई। जब ये भाई काम कर रहा है इस बाइक में करवा के निकलते हैं तेजी में अभी ऑयल भी चेंज नहीं हुआ है यार क्या काम कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा 4 बजे की बाइक दे रखी है और अभी तक ऑयल चेंज नहीं हुआ है 20-22 दिन हुए हैं गाड़ी को यार चेक करो इसके भाई। तो भाई ये रहा इसका पर्चा क्या क्या करवाया क्या है ऑयल चेंज के बाद ये तो फिल्टर है ये क्या लिखा है रूल फिल्टर जो भी हटा और ये पता नहीं भाई ये पता नहीं क्या ये है जो भी इसका नहीं पता ऑयल 365 फिल्टर 120 पता नहीं कैसे ना। और हाँ अभी मोहित भाई ने बताया कि मोहित भाई का आज एक्सीडेंट वगैरह मतलब बाइक लेके गिर गई तो बाइक तो नहीं लगी चलो अच्छी बात है लेकिन बाइक में लग गई। ये देखो ये एल गार्ड है पूरा घिस गया भाई तुम्हारे तुम लगे थे कहीं। और ये देखो मत्थे पे ये डेंट आ गया भाई नई गाड़ी में दुख होता नई गाड़ी की लगती तो
बट चलो ये तो चेंज हो जाएगा, 250-250 रुपये का लगता है ये। मत्था तो खैर चेंज नहीं करवाएंगे, मत्थे पे दोबारा वो करवा देंगे स्मोक, टंकी उनकी पर कहीं नहीं लगे, अच्छी बात है। चलो ये देखो लेफ्ट हैंड बैठे हैं, साढ़े चल आ जाए सर्विस होगी, होगी चल आ जा पहुँच गई भाई नीचे। राजा की तरह नहीं गरीब की तरह बैठा, नौकरी तरह पिक्चर देख रहा था ना, कहाँ देख रहा था, आज चल रहे हैं भाई सर्विस डन होगी। मोहित भाई का बिल बैठा है 458 रुपये का, 458 का बिल बैठा है, कटवा उठवा दिया पैसा वैसा हमने। अरे नीचे गई यार बाइक आना, हाँ बाइक नहीं चलेगी, बाकी एक बार कंपनी का पर्चा वर्चा दिखा देते हैं कि कितने का बिल बैठा है। 458 रुपये का बिल बैठा है भाई का, ये रहा भाई का बिल 458 रुपये का। पोलिस वोलिस लगवा दें टायरों पर, फिर निकलें घर के लिए। और ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी, करवाएंगे इसमें भी यार सर्विस वर्विस करवाएंगे इसकी भी बाहर तक। तो जी अपना काम वाम तो वैसे मैंने ख़त्म कर लिया है, पर मैं सोच रहा था जब मोहित भाई की वहाँ से बाइक की सर्विस करवा के आए थे तो मैंने व्लॉग एडिट तो पड़ा था, एक्सपोर्ट करा, उसके बाद मैंने अपलोड करा, फ़ोन चार्ज पर लगाया, फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, फिर फ़ोन चार्ज हुआ, फिर रील एडिट करी, अपलोड करा। अभी टाइम हो रहा है 9:30-35 हो रहा है, मैंने स्टोरी लगा दी और फ़ोन में पता 1% बैटरी है, स्विच ऑफ हो सकता है, अभी ये शॉट ले रहा हूँ मैं, अभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, बट्टू आया मिलने के लिए, मैं सोच रहा था रिलायंस मार्ट चले जाऊँ, रिलायंस मार्ट शायद 11 बजे तक खुलता है, फिर फोन में बैटरी भी नहीं थी, मैंने सोचा शायद इस प्लान को डिले करते हैं, शायद कल चलेंगे अब रिलायंस मार्ट। फिलहाल मैं ना फोन को चार्जिंग पर लगा के जा रहा हूँ बट्टू के पास, घर आ जाऊँ फिर एक बार आपसे बात करेंगे ना। तो गाइस सीन ऐसा था ना, मैं बट्टू के पास आ गया और ये वाला जो मैं क्लिप ले रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट्टू के फोन से कर रहा हूँ। तो हमने सोचा था कि हम रिलायंस मार्ट जाएंगे, लेकिन मोहित भाई की बाइक की सर्विस वर्विस करवाने के चक्कर में हमने रिलायंस मार्ट वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा। 10 बजने वाले हैं, रिलायंस मार्ट 11 बजे बंद हो जाता होगा, अभी इस टाइम पे बंद हो गया, और हमें जाने में 1.5 घंटा 40 मिनट लगेंगे, और वो एप्पल स्टोर वाले बंदे जो फोन चेक करते वो उठ के होंगे। तो हमने सोचा कल ही जाता है, पेट्रोल और टाइम फूकने से क्या फायदा, रात में वैसे भी तुम्हें पता बहुत ठंड लगती है, हाँ वही तो रात में ठंड लगेगी, जाएंगे तो बाइक से, इसलिए कल चलेंगे। तो फिर मैं कल, तू कब आएगा फिर जॉब से? कल मैं जॉब से आ जाऊंगा 4:30-5 बजे तक, 4:30-5 बजे बट्टू आ जाएगा, मेरा फोन चार्ज हो रहा है, मेरे को अभी याद आया कि इसके पास पावर आएंगे, तो मैं अभी फोन अपना ला सकता था, बट मैंने ऊपर ही लगा दिया चार्ज पे, 100% इस बंदे ने 100% चार्ज कर रखा है। तो अभी जा रहे हैं हम अपने दूसरे वाले घर की तरफ, देखते हैं कोई बंदा दोस्त मिल जाए, काम वाम तो वैसे खत्म कर लिया है। अभी भी नहीं आता मैं, अगर मेरे फोन में बैटरी नहीं होती ना, मतलब बैटरी होती तो मैं आता नहीं, मैं घर पर कुछ ना कुछ करता रहता, बट तू भी बुला रहा था बहुत देर से मेरे को, तो अब देखें थोड़ा टहलते हैं। 20 मिनट वेट करवा दिया मैं शाम के 7-8 बजे से बोल रहा हूँ भाई, अब आ गया 2 मिनट में, अब आ गया, बट यार काम ही रहता भाई, ब्लॉग एडिट एक्सपोर्ट है। तो ठीक है अभी कोई मिलता है तो उससे भी मिलवाएंगे आपको, अभी जा रहे हैं दूसरे घर की तरफ। भाई आ गए हम, फ्रेंच फ्राई तो थी नहीं, तो हमने 2 वेज रोल ले लिए 30-30 रुपये वाले, उसमें से 40,000 रुपये से पेमेंट कटवाएगा बट वो अभी दुबका रखे, घर पर रख रखे हमने, पेटीएम में से निकाल लेंगे, हम बेइज्जती करवा देंगे। अच्छा तेरे को डबल एक खाना है, यही तो है ना, फोन की पार्टी नहीं, तो फोन की पार्टी नहीं, भाई मैंने पार्टी की पूछी, मैंने पार्टी नहीं दी थी तेरे को, हाँ भाई बोल ले, यूर बोल ले, पार्टी तो तुमने नहीं दी, मैंने तो दी थी भाई, पार्टी भाई को ले लो, भाई देख रहे हो ना, भाई को दे दो। तो भाई अपना रोल रोल खाते फिर निकलते घर की ओर, घर वालों को ही फोन आ रहा है, आज भी घर की रोटी खाया तू, खाना खाया था? मैंने भी नहीं खाया था खाना, घर वाले गाली देंगे फिर करेंगे, फिर तो रोटी बाहर खा के आओ, तो खाना अभी रोड बन जाए फिर टेस्ट बताते हैं, रोड के तूने खाया करो, मैंने खाया बट इससे टेस्ट पूछेंगे, फिर खाया कोई नहीं, एक बार हम टेस्ट पूछेंगे, टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा, ड्राइस को कुछ खिलाएगा तो नहीं, कैसा भी लगे जी। हमने अंदर का शूट इसलिए नहीं लिया खाते हुए, कि बट्टू को इतना बढ़िया रोल लग गया कि खाते ही रहा, कह रहा भाई शूट वूट मत ले, बुरी बुरी तरह खाने लग गया। तो भाई आगे है भाई, नेक्स्ट टाइम दोबारा मैं चाहूंगा, बढ़िया था ना, बहुत टेस्टी था, अरे एग रोल तो बहुत प्यारा लगता है भाई। तो भाई अभी चल रहे हैं, छूट चुका हूँ घर के लिए, घर वालों का भी फोन आ रहा है, टाइम चेक करवा दूँ मैं आपको एक बार, तो टाइम ना कुछ 10:30+ हो गए होंगे, 10:57 हो गए यार, 11 बजने वाले हैं, जल्दी से घर निकलते, घर वालों का फोन आ रहा है, अब मेरा तो पेट भर गया, मैं खाना वाना खाऊंगा नहीं, घर वाले देंगे गाली, तो बेटा तू रोज बाहर का खा के आ रहा है। तो भाई ऐसा सिस्टम है कि जी ठीक है, वो भी जाएगा तू कल, सैटरडे ऑफ रहता है, चलो ठीक है फिर घर पर पहुँच जाए, ठंड लग रही है बाइक चलाने में पता है, घर पहुँच जाए फिर घर पहुँच के आपसे बात करेंगे। देखो भाई ये पटाखे वटाखे बिक रहे हैं, पुलिस वालों से बोल रहे पकड़ेंगे, कहाँ के लोग हैं पता नहीं, पंजाब के, और पोल्यूशन क्यों रहा है, इन्हीं की वजह से हो रहा है, कह रहे हैं कि सरकार बंद है इंडिया में पटाखे। और ये रहा एक पटाखा, सेलिब्रेशन कैडबरी जो भी है पता नहीं कौन सा है पटाखा है, पर ये भी
ये वाले जो मिठाई के डब्बे ना गाइस, ये वाले मतलब हम लेके आए थे मिठाई देने के लिए, मतलब दिवाली में मिठाई देते ना, तो उसमें से एक डब्बा बचा है हमारा। और मेरे को भूख लग रही थी, मैं बाहर तो खा के आ गया था, फिर मैंने सोचा घर पर कुछ खाऊंगा नहीं, तो मैंने रोटी वोटी बनवाई नहीं, मैं सोच रहा कि घर पर दूध होगा दूध पी लूंगा, लेकिन आज वो दूध जो हमें देता है ना वो दूध वाला आया नहीं दूध देने। और एक वो हरा वाला डब्बा रखा पड़ा था, बट वो ना मतलब उसका कलर ही थोड़ा ऐसा लग रहा था, उसके अंदर कुछ होगा नहीं बढ़िया। और जो हमने ये डब्बा लिखा था, हमने इसमें खोल के नहीं देखा था कि इसके अंदर क्या क्या होगा, बट फिर मैंने देखा इस पर बिस्कुट और ये छप रहे हैं ना, मतलब चॉकलेट और ये बिस्कुट तो पक्का होगा इसके अंदर। तो इस डिब्बे को खोलते हैं, और अभी भूख भी लग रही थी, इसको भी भूख लग रही थी, इसको भी भूख लग रही थी। और बाकी हम व्लॉग देख रहे हैं, पता नहीं किसका व्लॉग देख रहा है, पंजाबी है कोई बंदा, दिवाली ये बिर रामगरिया, हाँ तो सरदारी तो पंजाबी है, कोई पंजाब का बंदा है, बिर रामगरिया करके व्लॉग है, फुल ओपन पटाखे बिक रहा भाई बंदा, तो पकड़ो इसे हमला, चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो भाई ठीक है, इसका डब्बा खोलते हैं हम, इसमें देखते हैं क्या क्या सिस्टम है। लो भाई, लो मेरी तरफ से दिवाली गिफ्ट, यहाँ से खुलेगा शायद, यहाँ से नहीं, क्या है ये, कैडबरी सेलिब्रेशन भाई, खा रखी है इसने तो, नहीं अच्छा बिखर गई है। अच्छा देखो दिवाली वो है ये क्रेकल, क्रेकल क्रेकल क्रैकर है ना, डेरी मिल्क क्रैकर है अमन, क्रैकर है जानी जैसे पढ़ने का फायदा नहीं हो, एल नहीं है क्रैकर, क्रैकर ही पढ़ेंगे उसको, एल साइलेंट है भाई, लिखा पढ़ा उसका एल साइलेंट है, क्रैकर की स्पेलिंग आर नहीं होती, ई आर नहीं होती क्रैकर की स्पेलिंग। तो भाई जो भी है कमेंट कर देना, मेरे ख्याल से तो क्रैकर है, ठीक है हाँ क्रैकल कह रहा, वही तो कह रहा हूँ, क्रैकर की तो ई आर होती है ना लास्ट में। और एक ये है फ्रूट नट्स, डेरी मिल्क चोको, ये है चोको चिप, ये कौन सा बिस्कुट है, कैडबरी चोको बेक्स चोको चिप्स कुकीज, कुकीज हैं ये है, और ये क्या है, ये अलग चीज है क्या, ये हाँ ये बिस्कुट अलग है, ये देखो खोल के, बस ये गाइस ये चीज आती है इसमें, दो चॉकलेट दो ये और एक ये, और डिब्बा पता नहीं कितने रुपए का होता है, बिल्कुल नहीं खाते हमारे घर में, अरे इतने दिन से रखे पड़े थे कोई मन नहीं करता, अभी वो डिब्बा खोला था यो इंसान खाता, आपने भैया दोज वाला व्लॉग देखा हो, कितनी सारी चॉकलेट थी वो भी नहीं खाई, कोई दे दी कोई दे दी, दोस्तों को दे दी इसने अपनी, हम नहीं खाते ये, तो वाले कैडबरी के पीसेज लग रहे हैं, डार्क फैंटेसी की तरह वाले पीस, तो बट इनके अंदर पता नहीं क्या है, इनके अंदर बिस्कुट है, इनके अंदर होगी चॉकलेट और बिस्कुट, खोल के देख पाए जो भी है दो खोलो भाई, ये यहाँ बिस्कुट और चॉकलेट है, गरीब को दो, जो भी खा ले भाई, जो भी दो खोलो, मम्मी को पता नहीं हमने डब्बा खोल दिया, मम्मी सर खोल दी, मम्मी भी रोटी ही खोलेंगे, कोई बात नहीं, पहले खा पेट पूजा बाद में काम पूजा, हम सो वेरी गुड, सो बढ़िया भाई, जस्ट लुक बढ़िया है, How to taste this biscuit? तू भी खा। चलो आज इनको स्पॉन्सर ही कर दे, कैडबरी चोको बिस्कुट, कैसे केक बना दे बिस्कुट, ठीक है, आटे का टेस्ट, पर यार उसका फैंटेसी का बहुत प्यारा टेस्ट है, फैंटेसी का इससे ज्यादा प्यारा बेस है, अगर आप ले दो ना ये वाली लेना है, चोको नट्स, बहुत अच्छा, बहुत गंदा भाई, एक होता ना मीठा खा के हिक चढ़ जाती है, तीन चार खा लोगे छह सात खा लोगे हिक नहीं चढ़ेगी ना, इतना मीठा लगता प्यारा लगता, बिल्कुल सेम होता सेम बिस्कुट, ऐसी चॉकलेट होती है, बट इसका टेस्ट और टेस्ट में थोड़ा फर्क है, इस बार इसी कुकी खोलता है, एक बार इसे देखें इसे खोल के क्या है, ये ना टाइगर गंज जैसे बिस्कुट है, जैसे टाइगर गंज खाता हूँ मैं, पटाखे फूटेंगे क्या, बाथरूम में मजे नहीं है, ये तो पाइनएप्पल है, इसका ना देखो ये लग रहा है ना, ये कुछ पता नहीं क्या क्या लग रहा है, मतलब हम अपने शेक में यूज करेंगे, जब बनाना शेक बनाते हैं उसमें बढ़िया लगेंगे, और देखो दिवाली में धुआं धुआं करके, ये देखो भाई पटाखे ऐसे फूट रहे हैं, तो ठीक है जी
इस व्लॉग को एंड कर देते हैं, काफी लंबा सा व्लॉग होते जा रहा है और बाकी अपना फोन का काम है, रिलायंस मार्ट जाएंगे, कल जाएंगे, जब तक हम इस डिब्बे को ना निपटा देंगे जब तक सारा। छह पीस थे बस बताओ, और डिब्बे का प्राइस होगा कम से कम 350 रुपए प्लस ही होगा प्राइस। हाँ तो 250 रुपए में दो चॉकलेट, दो यो आपने देख लिया है। और गाइस ये फोन का काम करवाएंगे हम कल, तो ठीक है जी, इस व्लॉग को हैंड कर देते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस नो द ड्रिल, यू वांट टू लाइक दिस वीडियो। चलो यार ये लास्ट वाला ना ये बोलेगा, पता नहीं मैं बोलूंगा ना गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, बोलेगा इंग्लिश में बोलेगा, यू नो दिस गाय यू दिस वीडियो, पता नहीं क्या क्या बोलता, बोलो कॉपी करके बोलता दूसरे चैनलों की। गाइस नो द ड्रिल, यू नो गाइज, यू नो ड्रिल, पता नहीं क्या मशीन चला रहा, ड्रिल मशीन। तो देखो गाइज ना जी, हमला बोल दो। यू गाइज नो द ड्रिल, यू वांट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल दोस योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, सो सी यू आफ्टर नेक्स्ट वीडियो, सो सी यू आफ्टर नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, चैनल सब्सक्राइब कर दो।